हेलो फ्रेंड, मैं हूँ प्रोशन। आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रोशन एंड टेक्निकल प्रोशन चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज आप लोग को बताऊंगा जियो फोन 3 के बारे में जो कि लॉन्च होने वाला है। तो इस मोबाइल पे प्राइस एंड बजट क्या है एंड फीचर्स क्या है, कब लॉन्च होगा इंडिया पे, तो इस बारे में आप लोग को बताऊँगा। तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखना, इसकी मत करना। एंड मेरा चैनल पर आप पहली बार आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो पहले परफॉर्मेंस एंड फीचर्स के बारे में बात करूँ तो डिस्प्ले 5 इंची और 12.7 सेमी का एंड परफॉर्मेंस मिलेगा आपको क्वाड कोर, स्टोरेज मिलेगा 64 GB का, कैमरा मिलेगा 5 MP, बैटरी मिलेगा 2800 mAh की बैटरी, रैम मिलेगा 2 GB एंड लॉन्च डेट June 28, 2019 अनऑफिशियली इंडिया। स्पेशल फीचर्स आपको मिलेगा 1 km, जनरल फीचर्स मिलेगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा एंड्रॉयड वर्जन 8.1 ऑडियो, सिम स्लॉट डाउन सिम GSM प्लस GSM, मॉडल जियो फोन 3G, लॉन्च एंड कस्टम यूआई एंड्रॉयड गो, ब्रांड रिलायंस, नेटवर्क 4G अवेलेबल सपोर्टिंग इंडिया एंड 3G अवेलेबल, 2G अवेलेबल, मल्टीमीडिया लाउड स्पीकर मिलेगा, ऑडियो जैक मिलेगा 3.5 mm की ऑडियो जैक। परफॉर्मेंस प्रोसेसर की बात करूँ तो क्वाड कोर 1.4 GHz स्पीड प्रोसेसर एंड डिस्प्ले की बात करें तो IPS LCD डिस्प्ले, पिक्सल डेंसिटी 294 PPI, स्क्रीन साइज मिलेगा 5 इंच एंड स्क्रीन रेजोल्यूशन HD 720x1080 की पिक्सल एंड 1280 की पिक्सल, टच स्क्रीन कैपेसिटी, टच स्क्रीन मल्टी टच एंड एक्सपेंडेबल मेमोरी 128 GB का, कैमरा मिलेगा आपको डिजिटल जूम एंड इमेज रेजोल्यूशन 2592x1944 pixel की रेजोल्यूशन, 2 MP फ्रंट कैमरा फ्लैश LED मिलेगा आपको, लियोन बैटरी 2800 mAh की बैटरी एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो वाईफाई मिलेगा आपको 802.11 BG एंड वाईफाई फीचर्स मोबाइल हॉटस्पॉट मिलेगा, ब्लूटूथ मिलेगा, फोनटी मिलेगा, USB कनेक्टिविटी मैस, स्टोरेज डिवाइस USB चार्जिंग, माइक्रो USB 2.0, नेटवर्क सपोर्ट 4G, GPS मिलेगा आपको, सिम स्लॉट एंड मोबाइल की ऑल डिटेल्स की बात करें तो आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, लेकिन इस मोबाइल से आप 3D ग्राफिक वाला गेम खेल नहीं सकते, आप सिर्फ इंटरनेट एंड नेट यूज़ कर सकते हैं मोबाइल पे एंड छोटा मोटा गेम आप खेल सकते हैं मोबाइल से। तो इस मोबाइल का जो कैमरा फीचर्स है बहुत अच्छा नहीं है, तो कैमरा फीचर्स नॉर्मल है क्योंकि रियर कैमरा 5 MP एंड फ्रंट कैमरा 2 MP की कैमरा एंड डिजाइन की बात करूँ तो मोबाइल का डिजाइन बहुत ही अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो आपको जो प्राइस एंड बजट देना पड़ता है इस मोबाइल के लिए आपको 4000 यानी कि 4500 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा एंड मार्केट में अवेलेबल होगा 28 जून में। तो फ्रेंड इतने ही आज के लिए।